हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो चलो हम आज कैंडल का, हाँ मतलब इसका नाम कैंडलर है, पहले मैं इसे सैंडलर कह रहा था, छोड़ो। इसका सेकंड मूव सेट के साथ अपना पोकेमोन यूनाइट का मैच स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो तो मैंने वही वाले हेल्ड आइटम्स लिए हैं, तो ये मैच जब स्टार्ट होगा देखते इसका सेकेंड वाला पावर क्या है। अब मैच हो चुका है स्टार्ट। कैंडलर के ना मैंने एक चीज देखा है, वो जो है एम्बर है ना, वो दो बार मारता है, मतलब फर्स्ट बार में एक बार मारता है और सेकंड बार में और एक बार मारता है। चलो ये सब कॉमन अटैक तो आप लोगों को बता ही है, तो सेकंड मूव सेट में मतलब इवॉल्व होने के टाइम में चलते हैं। चलो हम लोग फाइनली हो चुके हैं इवॉल्व, तो हम अब लेंगे मिस्टिकल फायर। ये क्या हुआ, रुको, मिस्टिकल फायर कैसे यूज होता है? तो ये मिस्टिकल फायर भी एम्बर की तरह ही है, दो बार हिट करता है। देखा देखा, ये मिस्टिकल फायर मारने के बाद एक रेड वाला क्या कहते हैं, बूस्टेड अटैक बन जाता है, और थ्री टाइम मिस्टिकल फायर लगने के बाद जो लास्ट वाला मिस्टिकल फायर होता है वो ज्यादा डैमेज देता है। इस बार हम लेने वाले हैं ऊपर वाला मूव सेट। तो करता क्या है ये? अरे कोई तो आ जाए यार, किसी को तो जलाऊ इससे पूरे एम्ब्रियन। चलो अटैक। क्या हुआ, बस थोड़ी देर के लिए स्टन, मतलब एक सेकंड भी स्टन नहीं थी। ये क्या है? ये तो टट्टी है। इसका गोल करने का स्टाइल बड़ा मस्त है, कैसा स्क्रैच स्क्रैच लगाता है उसके बाद एक गोल। पर ये स्टीलिंग में बहुत अच्छा है, देखो हो जाएगा। ए रुको, मैं पहले ऐसे खेल रहा था तब तो यूनाइट मूव दो बार नहीं चला था ऐसे लेजर बीम की तरह, लगता है मूव सेट की वजह से होता होगा या फिर मैंने पहले यूज ही नहीं किया। अरे ये हुप्पा हमें कितनी बार मारेगा। चलो हमारा अभी यूनाइट वाला लेजर, ये डैमेज नहीं करता वैसे लेजर। वो देखो मैंने कहा था ना, अम्ब्रियन का ओवल अटैक बहुत ज्यादा स्लो करता है, मतलब उसको ही स्लो करता है, तो उसके दुश्मनों को भागने में आसानी होगी। अच्छा है, चलो हम ही स्टील कर लेते रिक्वाजा को। अरे रिक्वाजा, ओ रिक्वाजा ज्यादा डैमेज नहीं दे रहा यार, इसका हेल्थ इतना कम है। रिक्वाजा के दो हिट में इसका 25% हेल्थ खत्म हो गया। वाह क्या पोकेमॉन है। छुपे रहने के बाद स्टील करने के अलग ही मजे आते हैं। मार मार, मैंने ना एक चीज मतलब गौर की है यार, जो ये लैप्टस है ना उसका हेल्थ बहुत ज्यादा है यार, और डैमेज भी बहुत अच्छा खासा देता है। पोकेमॉन यूनाइट के में आने के बाद इसको थोड़ा डीबफ करना पड़ेगा, मतलब नर्फ करना पड़ेगा, पर नहीं ये बहुत ज्यादा ओवर पावर है। चलो हम जीत गए। ए रुको, हुप्पा ने मारा, छोड़ो हमें तो गोल करने से मतलब है। फिर तो अजीब स्टाइल में गोल, स्क्रैच 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 एंड गोल। अरे अम्ब्रियन पीछा छोड़ दे। रुको, इस अम्ब्रियन का ये वाला अटैक जिसको मैंने कुछ काम का नहीं कहा था वो और एक काम करता है। रुको फिर, हाँ वो मतलब एक दायरा टाइप का बना देता है और उसके बाहर तुम नहीं निकल सकते, तो ये पावरफुल। फाइनली हमारा मैच हो चुका है एंड, मैं बस कैंडलर के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, ये
हाँ पावरफुल है अच्छा खासा। और आपको मेरा गेम प्ले पसंद आए तो शुक्रिया।